हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? और हमें लगता है कि जो मेरा फर्स्ट पार्ट आपका टाइप ऑफ वेक्टर्स था, आप लोगों ने देखा होगा और समझा होगा, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट है आपका ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर को हम कैसे एक स्केलर से एक एसोसिएट करेंगे और एक क्रॉस एसोसिएट करेंगे, तो उन्हीं के बारे में हमको स्टडी करना है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर होगा, एक आपका होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर होगा, तो वन बाई वन हम इसको डिस्कस करेंगे अपने वीडियो लेक्चर में। तो पहला आपका ये है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हम दो वेक्टर को कैसे स्केलर इस डॉट से कैसे एसोसिएट करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो सपोज करिए स्टूडेंट, मान लीजिएगा एक आपका वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आपका बी है। ये आपका वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आपका बी है। इनके बीच में अगर एंगल थीटा है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इनके दो वेक्टर का जो आपका स्केलर प्रोडक्ट होगा डिफाइन कैसे होगा, जरा देखिएगा इसका डिफिनेशन क्या है। ए डॉट बी, इसे क्या पढ़ते हैं, ए डॉट बी, ये होता है डॉट होता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस थीटा हो जाएगा। ये इसका डिफिनेशन है। दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी, इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट कॉस थीटा। अब स्टूडेंट जरा देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। आपका ये भी क्या होगा, ए आपका एक रियल नंबर होगा। क्यों रियल नंबर होगा, क्योंकि हम वेक्टर का मॉडुलस ले रहे हैं, तो जो मॉडुलस जो वैल्यू आएगी एक नंबर आएगा, और वही आपका जो बी वेक्टर का जो मॉडुलस लिया गया है, ये भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा और आपका ये भी रियल नंबर होगा। तो अगर ये भी आपका एक नंबर होगा, ये भी आपका एक नंबर होगा और ये भी आपका क्या एक नंबर होगा, तो टोटल आपका क्या एक नंबर आएगा। जब टोटल एक नंबर आएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे ए डॉट बी क्या होगा, एक नंबर होगा। इसका मतलब ये हो गया, ए डॉट बी क्या देगा, एक रियल नंबर देगा। ये क्या देगा स्टूडेंट, रियल नंबर देगा, मतलब क्या देगा, एक स्केलर क्वांटिटी देगा स्टूडेंट। ये क्या देगा, ए डॉट बी क्या देगा, स्केलर क्वांटिटी देगा। इसे कहते हैं कि ए डॉट जो भी हम इसका जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट का एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसके बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हमें क्या क्या इससे क्या क्या हमको रिजल्ट मिलेगा। आइए हम इसको एनालाइज करते हैं स्टूडेंट्स कि हमें इससे क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे। पहला इसका ऑब्जर्वेशन है, पहला ऑब्जर्वेशन हम इसका एनालिसिस करते हैं कि ये क्या क्या हमको दे सकता है। पहला ऑब्जर्वेशन ये स्टूडेंट्स कि ए डॉट बी, पहला ऑब्जर्वेशन आपका है कि ए डॉट बी क्या होगा, इज ए रियल नंबर। ए डॉट बी क्या होगा, रियल नंबर होगा। दूसरा स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन, दूसरा स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन हम करते हैं कि अगर मान लीजिएगा ए डॉट बी जीरो होगा, ए डॉट बी अगर जीरो होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ए डॉट बी जीरो होगा तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। एक क्या होगा, या तो आपका वेक्टर ए जीरो होगा या वेक्टर बी क्या होगा, जीरो होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, तीसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, जीरो होगा। मतलब क्या होगा, इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा कब कॉस थीटा जीरो होगा, जब थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 होगा या 180 होगा स्टूडेंट्स, और ऐसे चलता चला जाएगा। मतलब क्या होगा यहाँ पे, मतलब एन पाई बाई टू होगा, एन पाई बाई टू पे क्या होगा, कॉस थीटा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर थीटा 90 होगा, अगर यहाँ पे थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, 90 होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उसी कंडीशन में आपका क्या होगा, ये ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब ए डॉट बी जीरो कब कब होगा, जब या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। तीसरा कंडीशन क्या होगा, या तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तभी क्या होगा, ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, आपस में जीरो हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अभी हम दो ऑब्जर्वेशन देखे हुए थे, अब हम इसका तीसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन देखिएगा जरा, अगर हम एक्स और वाई जेड एक्सिस पे हम क्या ले लें, एक हम एक्स एक्सिस हो जाएगा और आपका ये वाई एक्सिस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। इस पर हम यूनिट वेक्टर आई ले लें
और यूनिट वेक्टर यहाँ पे हम क्या ले लें, जे ले लें, और यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर क्या ले लें, के ले लें। ये आपका जो कैप होगा हमेशा इसको पढ़िएगा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ आई, यूनिट वेक्टर ऑफ जे, यूनिट वेक्टर ऑफ के। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आई डॉट आई क्या होगा, या आई डॉट जे क्या होगा, आई डॉट के क्या होगा। जरा इसका रिजल्ट को हम वेरीफाई करते हैं कि क्या क्या उसके रिजल्ट आ सकते हैं। तो जरा देखिएगा, जैसे हम क्या करें, आई डॉट आई की बात करते हैं, तो आई डॉट आई की बात करते हैं यहाँ पे, तो हम इसके अगर डिफिनेशन से हम इसको लिखें, यहाँ पे इसके डिफिनेशन को हम फॉलो करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंटू क्या होगा, ये आई डॉट आई है मतलब इनके बीच का एंगल जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कॉस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका यूनिट वेक्टर है, इसका आपका जो मैग्नीट्यूड होगा वन होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड वन होगा, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो यहां पे सुन क्या आ गया आपको, i डॉट i इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि j डॉट j इक्वल टू वन हो जाएगा, और सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि k डॉट k इक्वल टू वन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास तीन रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट क्या है कि i.i ये आपका एक रिजल्ट ये है, दूसरा रिजल्ट ये है, तीसरा रिजल्ट ये है, मतलब i.i इक्वल टू वन होगा, और i.j इक्वल टू वन होगा, और k.k इक्वल टू वन होगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है, अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें i.k i.j i.j, तो डिफिनीशन से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे मॉड ऑफ आई हो जाएगा और मॉड ऑफ जे हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब सुन जरा देखिएगा कि i डॉट j की बात करते हैं तो ये तीनों जो आपके एक्सिस हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो यहां पे जो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। अच्छा, अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो यहां पे ये आपका यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां से टोटल वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब यहां पे मिला कि आपको i.j इक्वल टू 0 मिलेगा, और j.k इक्वल टू 0 मिलेगा, और k डॉट आई इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहां से सुन आपने तीसरा रिजल्ट ये देखा कि i.i इक्वल टू 1 होगा, j.j इक्वल टू 1 होगा, k.k इक्वल टू 1 होगा, और i.j इक्वल टू 0 हो जाएगा, i.j.k इक्वल टू 0 हो जाएगा, k.i इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब कभी भी अगर i.i आएगा या j, मतलब सिमिलर पे अगर डॉट लगाएंगे, सिमिलर वेक्टर पे डॉट लगाएंगे तो 1 रिजल्ट देगा, और अगर दोनों जो वेक्टर डिफरेंट होंगे उनके बीच में जो अगर दोनों वेक्टर डॉट से एसोसिएट हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स सब हम लोग आगे देखते हैं कि अभी तक तीन हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, तीन ऑब्जर्वेशन पढ़ चुके थे, अब मेरा चौथा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, उसी बेस्ड होगा। अब चौथा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर दो वेक्टर थीटा एंगल बना रहे हैं, जिसे आपका वेक्टर ए था और वेक्टर बी था, इनके बीच में थीटा एंगल बना हुआ था, तो हम क्या करेंगे, हम एंगल ये अगर सपोज करिएगा यहाँ पे थीटा दिया हो, थीटा को निकालना है, और ए और बी दिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, तो आपको थीटा निकालना है, तो यहाँ से थीटा कैसे निकलेगा, तो थीटा यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी हो जाएगा अपॉन वेक्टर ए हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। तो दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग ये देख लिए कि दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ स्टूडेंट बी होगा। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या है कि दो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट a डॉट b इज इक्वल टू बी डॉट ए। मतलब क्या यहाँ पे ये है कि अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले तो हमेशा और हमेशा जो है ये जो दोनों डॉट प्रोडक्ट के वाले वेक्टर हैं ये कम्यूटेटिव रूल्स को होल्ड करेंगे। मतलब a डॉट b इक्वल टू b डॉट a हम इसको लिख सकते हैं, यही होता है, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, आप लोग 9th में पढ़ा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। बस वहां पर ये जानना था कि दो वेक्टर जब भी कभी इस डॉट से एसोसिएट रहेंगे तो हमेशा जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा इसकी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं डॉट प्रोडक्ट की। इसका एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर वन है कि स्केलर को हम क्या कर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते ओवर एडिशन पे। मतलब क्या कहने का है कि ए डॉट बी प्लस सी, हम इस स्केलर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर एडिशन में। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम वी कैन राइट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा प्लस ए डॉट वेक्टर सी हो जाएगा। मतलब स्केलर के कंडीशन में, अगर एक डॉट के कंडीशन में हम डॉट को क्या कर सकते हैं, स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं स्केलर का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है, प्रॉपर्टी नंबर टू, अगर हम क्या करें दो वेक्टर, आपको एक वेक्टर ए है एंड दूसरा वेक्टर बी है, और लैम्डा अगर कोई हम एक एज्यूम कर लें कि लैम्डा कोई स्केलर है, स्केलर है। अब इस लैम्डा से अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो जरा देखिएगा क्या होगा, अगर हम चाहें तो पहले लैम्डा इससे मल्टीप्लाई करें उसके बाद हम तब डॉट इसका प्रोडक्ट निकाल लें, या ऐसा भी करें कि हम लैम्डा को पहले हम ए डॉट फिर क्या करें लैम्डा से बी को मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट ऑन कर सकते हैं कि लैम्डा इंटू ए डॉट बी। मतलब अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी का इन दोनों वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो चाहे हम ऐसे मल्टीप्लाई करें, चाहे इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, चाहे इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, हर केस में आपका रिजल्ट सेम आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा कि आपका स्केलर जो होगा ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, मतलब दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हम स्केलर क्वांटिटी से हम दो वेक्टर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका जो रिजल्ट आएगा, चाहे हम इसको ऐसे राइट डाउन करें, चाहे स्टूडेंट हम इसको ऐसे राइट डाउन करें, चाहे स्टूडेंट इसको ऐसे राइट डाउन करें, सबका रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। तो स्टूडेंट्स अब इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसका नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है क्या स्टूडेंट, जरा समझिएगा। जैसे एक लाइन एल है, और एक वेक्टर आपका सपोज करेगा, एक वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर ए इस एल के साथ अगर थीटा एंगल बनाता है, तो प्रोजेक्शन मीन्स क्या, प्रोजेक्शन मीन्स ये कि इस वेक्टर का इस पे इमेज क्या बनेगा, इस वेक्टर का इस पे इमेज क्या बनेगा। तो अगर आप एज्यूम करिएगा, हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा करें, एक हम रेज यहाँ पे, हम यहाँ पे रेज जो है यहाँ से इंटर कराएं, तो अगर रेज हम इंटर कराएंगे तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा, सपोज करिएगा इसका प्रोजेक्शन आपका यही मिलेगा, इसका जो इमेज, प्रोजेक्शन मीन्स का इमेज, इमेज की बात करते हैं, तो इसका जो इमेज होगा आपका कुछ ऐसे मिलेगा, कुछ आपका इमेज ऐसे ये मिलेगा, ये। अब इमेज इसका ये मिलेगा, तो हम ये एल लाइन को, हम ये आपका एल जो लाइन है, अगर वेक्टर है तो हम इसका नाम देते हैं पी। एक वेक्टर क्या है, एक पी आपका वेक्टर है एल। तो अगर आपका ये एल मिलेगा तो यहां से इसको नाम ओ हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो अगर हम ओपी की बात करते हैं, ओपी क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। ओपी क्या होगा स्टूडेंट, होगा प्रोजेक्शन। ओपी क्या होगा आपका, प्रोजेक्शन मीन्स क्या, एक इमेज, हम इस ओए की लाइन की इमेज यहां पर मिल रही है, ओपी मिल रहा है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन। तो स्टूडेंट ये होगा क्या, ये प्रोजेक्शन होगा क्या कि मॉड ऑफ, या मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये तो इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो गया। अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड होता है और उसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो हमें इसका तो मैग्नीट्यूड मिल गया, हमें चाहिए क्या, डायरेक्शन चाहिए। तो हमें डायरेक्शन चाहिए, मतलब इस पी आपका वेक्टर, ये आपका जो ये लाइन है, इस पी से, पी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम क्या करें, अगर यहाँ पे तो इसका प्रोजेक्शन हो गया, अब प्रोजेक्शन वेक्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि उस प्रोजेक्शन वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड ये होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हम क्या करें, ओपी, हम इसको हम नाम देते हैं ओपी। ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ पी इंटू क्या हो जाएगा, इंटू आपका हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर हो गया। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर किसका, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओए। ओए का जो प्रोजेक्शन वेक्टर होगा क्या होगा,
वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा पी का यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू कॉस थीटा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी हो जाएगा। यही होता है प्रोजेक्शन वेक्टर होता है। अब स्टूडेंट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, इसको थोड़ा सा इजीएस्ट में समझते हैं कि किसी वेक्टर का, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन अगर हम लिखना चाहें, वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी इज क्या होगा ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा। इस ए वेक्टर का बी पे जो प्रोजेक्शन होगा ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए डॉट हो जाएगा और यहाँ से इस बी के जो आपका यूनिट वेक्टर बी है इसको हम क्या रिप्रेजेंट, किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स हम चाहे इसको ये लिखें चाहे इसको लिखें, जनरली हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा हमें इसी फॉर्म में सॉल्व करना होगा, हमें क्या करना होगा इसी फॉर्म में सॉल्व करना होगा। जो वेक्टर दिया रहेगा पूछेगा कि ए वेक्टर का बी प्रोजेक्शन क्या होगा, तो आपको ये राइट डाउन करना ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का जो रिजल्ट होगा वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। यही स्टूडेंट हमें इतना पढ़ना था इस पूरे स्केलर प्रोडक्ट में। तो स्टूडेंट हमें लगता है कि आप लोग अच्छी तरीके से लेक्चर को देखे होंगे और समझे होंगे, और स्टूडेंट्स कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, देन आई विल रेक्टिफाई योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।